प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने संभल जिले का किया दौरा, निराश्रित गोवंशों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश, नई गौशालाओं की भी ली जानकारी। उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मवीर सिंह ने संभल का दौरा किया। मंत्री धर्मवीर सिंह ने पहले बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया और पार्टी के पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 3 फरवरी को 100 बसों के माध्यम से अधिक श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आने का आह्वान किया। मंत्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार 3 कामों पर विशेष तौर पर काम कर रही है, निराश्रित गोवंशों को आश्रय स्थलों पर पहुंचाना, बधियाकरण, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए समय से पशुओं की दवाई का वितरण कराना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गाय छोड़ने का कार्य करेगा उसको नोटिस जारी किया जाएगा। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। बल में मरा आना हुआ है, 2 बिंदुओं पर बात की है। योगी सरकार की प्राथमिकता है विकास करना और जनता को सुरक्षित रखना। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों का संपूर्ण विकास हो और इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, 35 साल के बाद ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ी है, तो उसकी भी समीक्षा की है कि अलाव वगैरह नगर पालिकाओं में लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ठीक स्थिति में है और तेजी की जाए, ये देखा जाए। ये इस समय किसानों को सर्वाधिक समस्या निराश्रित गोवंश से रहती और संभल इससे जूझ रहा है, काफी समस्या है, तो नई गौशालाएं बनाने का भी समस्या है। दूसरा, आज हमने कहा है कि गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करना। हम 3 काम विशेष तौर से कर रहे हैं योगी सरकार। एक तो निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाना और दूसरा बधियाकरण करना, जो बछड़े होते हैं उनको समयबद्ध बधियाकरण किया जाए, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए दवाओं का फ्री वितरण कराना, क्योंकि दवाएं पशुओं की बहुत महंगी हैं। नस्ल सुधार में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान, मुर्गा भैंस का सीमन, साहिवाल गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इनका सीमन फ्री देने की व्यवस्था है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की आय दोगुनी पशुपालन से होगी। हमारी विभिन्न तरीके की योजना है, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इनमें 50% का अनुदान है और जनपद संभल में ये लाभकारी हो आज बैठकर बात की है। अभी आने वाले समय में बिजली की व्यवस्था, घर घर नल की व्यवस्था आदि आदि बातों पर समीक्षा की है। पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रहे, SSP को कड़े निर्देश दिए हैं। आज बातों पर मेरी चर्चा हुई थी, बस इतना ही मुझे। सर, पिछली बार आपने कहा था कि जो पशु है, हमारे पशु घूम रहे सड़क पर, वो 31 तक सारे गौशाला चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है? हाँ, गए हैं, कुछ अभी शेष बचे हैं। यहाँ प्रशासन का कहना है जितने हम पकड़वाते हैं उससे दुगने छोड़ दिए जाते हैं, तो आज हमने कड़ाई से निर्देशित किया है हर पशु के कान में एयर टैग लगाया, कान में टैग लगाया पशु गणना। पहले हमारा प्रशासन उसको नोटिस देगा कि ये तुम्हारी गाय है, तुम दूध देने के बाद छोड़ रहे हो, इसे मत छोड़ो। दूसरा नोटिस भी देगा, फिर नहीं मानेंगे तो जुर्माना भी करेंगे और पशु क्रूरता अधिनियम में उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। ये आज हमने उन्हें कहा है, ये तो पहले भी कहा था, अभी भी, अब दोबारा से पहले हमने लापरवाही क्यों की जा रही है? लापरवाही इसलिए की जा रही कि आप लोग भी कहेंगे सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, गलत लोगों को पकड़ रही है, तो इसलिए पहले नोटिस देंगे कि ये तुम्हारी गाय है और तुम इसे दूध देने के बाद छोड़ रहे हो, ये ठीक काम नहीं कर रहे हो।